हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है। 51 से लेकर 100 तक, यानी 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चंस बेस्ट हैं। एंड दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियोज हैं। थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज बढ़ाया गया है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराया गया है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। एंड दोस्तों, 79 वीडियोज है बीपीएससी TI-2 में, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रैक्टिस कराया हुआ है। एंड 2024 के बैच में ये 56वां वीडियो है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। एक एक क्वेश्चंस आपका धैर्य बना करके देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आधे पे छोड़ के मत भागिएगा दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, बाइटोट स्पोर्ट्स नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, डी, ई, किसकी कमी से होता है? सही आंसर आप टिक कीजिए। आई होप कि अभी तक आपने टिक कर दिया होगा। तो दोस्तों, बाइटोट स्पॉट जो है वह होता है विटामिन ए की कमी से। जैसे कि आप जानते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है एंड विटामिन ए को ए से जो है कैरोटीन पिगमेंट से इसका निर्माण होता है। इसको ग्रोथ विटामिन यानी वृद्धिकारक विटामिन भी बोला जाता है। इसकी कमी से आँखों में धुंधला दिखाई देता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जो हमारे आँखों के कोन रोड सेल का जो रेडॉप्सिन लेयर होता है, रोड सेल आँखों के वस्तुओं के अंधेरे में वस्तुओं को पहचानने का काम करता है, अंधेरे उजाले का फर्क बताता है। और एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णता, जिसमें रंगों को नहीं देख पाते हैं वस्तुओं के, वो जो है आँखों के कोन सेल खराब हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन आँखों के लिए विटामिन जो ए है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। एंड और इसकी कमी से कंजक्टिवाइटिस एंड बाइटोट स्पॉट्स एंड मंदित वृद्धि, नपुंसकता, ब्रिक संक्रमण एंड आदि रोग भी, रेटिनोडर्मा आदि रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से क्या विषम है? दोस्तों, यहाँ पे राउंड बैक, हंच बैक, काइफोसिस, तीनों को कुबड़ा यानी काइफोसिस को ही राउंड बैक कहा जाता है, हंच बैक कहा जाता है, काइफोसिस जो हमारा जो आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन यानी कि जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है बाहर की तरफ निकल जाती है, जो वक्ष वाला भाग होता है, जिसे कुबड़ा कहते हैं। तो ये तीनों एक ही का नाम है, जबकि स्वे बैक जो है लार्डोसिस को कहा जाता है, जिसे पेट बाहर की ओर यानी अग्रकुब्जता, काइफोसिस को पश्च कुब्जता बोला जाता है यानी पीछे की तरफ निकल जाता है स्पाइन, और स्वे बैक यानी लार्डोसिस को अग्र कुब्जता यानी कि आगे की तरफ पेट निकल जाता है और कमर वाला भाग में गड्ढा यानी करो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि स्वे बैक का संबंध लार्डोसिस से है, बाकी कुब्जता का उपनाम है। नेक्स्ट दोस्तों, पश्चिमोत्तरासन निम्न में से किस विकृति को सुधार में अधिक लाभकारी होता है? तो दोस्तों, पश्चिमोत्तरासन जब आप करेंगे तो नीच कमर आगे की तरफ झुकता है पूरा शरीर, तो यहाँ पे अग्र कुब्जता यानी कि लार्डोसिस, पेट को कम करने का विकृति में, लार्डोसिस वाले विकृति को ये सुधार करने में लाभकारी होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृति का नाम जो एस या सी के रूप में रीढ़ को आकार देती है, तो दोस्तों एस और सी के रूप में कौन आकार देता है? स्कोलियोसिस को हम कहते हैं पार्श्व कुब्जता यानी कि लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन। तो यहाँ पे स्कोलियोसिस में सी और एस आकृति बनाता है, जैसे कि स्कोलियोसिस मेरुदंड की यानी कि रीढ़ की हड्डी के पार्श्व कुब्जता यानी लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन होता है, यानी कि मेरुदंड यानी स्पाइन का एक और झुकना, जिससे शोल्डर एक तरफ और हिप दूसरी तरफ झुक जाते हैं। और इसमें दो प्रकार की आकृति बनती है, सी मतलब सिंगल स्कोलियोसिस, बाई ओर वक्र गोलाई ज़्यादा, यस स्कोलियोसिस जिसे डबल स्कोलियोसिस बोला जाता है, दोनों ओर वक्र हो जाता है। ठीक है, वक्ष में होने पर थोरेसिक स्कोलियोसिस और कमर में होने पर लंबर स्कोलियोसिस भी बोला जाता है। और स्कोलियोसिस को ठीक करने के लिए जो एक्सरसाइज है, जैसे कि शरीर को विपरीत दिशा में झुकाना, साइड बेंडिंग एक्सरसाइज, ब्रेस्ट स्ट्रोक का अभ्यास यानी कि तैराकी जो है बेस्ट होता है।
नेक्स्ट है स्पाइनोग्राफ नामक उपकरण का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों स्पाइनोग्राफ का प्रयोग स्कोलियोसिस को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए? स्कोलियोसिस यानी कि पार्श्व कुंठता, जिसे लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है किसे हिस्टोलॉजी का पितामह कहा जाता है? हिस्टोलॉजी उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोला जाता है, और हिस्टोलॉजी के पितामह जो है मार्शल मालपिगही को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क में कितने कशेरुका यानी वर्टिब्रा होती हैं? तो आपको पता है कुल हमारे रीढ़ की हड्डी जो है वर्टिब्रा 35 होती हैं, जो वयस्क होने पर 26 हो जाती हैं, तो वयस्कों में 26 होता है। इसमें से हमारा जो सर्वाइकल बोन होती है वर्टिब्रा होती है 7, और जो थोरेसिक यानी वक्ष वाली होती है 12, लंबर यानी कमर वाली 5, और सेक्रल जो है 5 होती है, जो वयस्क होने पर 5 मिलकर 1 हो जाती है। कॉक्सिजियल 4 होती है, जो वयस्क होने पर 4 मिलकर 1 हो जाती है। नेक्स्ट है लंबोइड सूचर किन अस्थियों के मध्य पाया जाता है? तो दोस्तों यह ज्वाइंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे जो सूचर का नाम सुनते ही आप जाने होंगे कि अचल संधि है, जो खोपड़ी की संधि होती है उसको सूचर ज्वाइंट कहते हैं। तो खोपड़ी की संधि को सूचर बोला जाता है, अचल संधि के अंतर्गत आता है। अचल संधि को फिक्स ज्वाइंट, फाइबर्स ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट, इम्यूवेबल ज्वाइंट बोला जाता है। जबकि संधियां तीन प्रकार की होती है, ज्वाइंट्स, चल, अचल, अर्धचल संधि। तो जो अचल संधि होती है उसमें सूचर यानी खोपड़ी का जोड़, एंड सिंडमोसिस यानी एंटीरियर टिबिया फिब्युला ज्वाइंट, एंड गोम्फोसिस या पेग एंड साकेट ज्वाइंट दांतों का जोड़ आता है, एंड साइकोइलियक ज्वाइंट आता है। तो इसमें सूचर यानी कि खोपड़ी के जोड़ का पूछा हुआ है कि सूचर खोपड़ी के जोड़ में तीन ऐसे सूचर पाए जाते हैं, जोड़ पाए जाते हैं, जैसे कि सेजिटल सूचर, क्रोनल सूचर, लंबोइड सूचर। जो सेजिटल सूचर होती है वो पैराइटल हड्डी का जोड़ होता है, जो सबसे बड़ा सूचर कहा जाता है सेजिटल सूचर को। दूसरा होता है क्रोनल सूचर, जो फ्रंटल हड्डी का जोड़ होता है जहाँ पे से पैराइटल से जुड़ी रहती है। तीसरा होता है लंबोइड सूचर, जो पैराइटल हड्डी से जहाँ से ऑसिपिटल हड्डी जुड़ी रहती है वहाँ से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीपिटल पैराइटल के मध्य लंबोइड सूचर होता है, यानी दोनों को जोड़ता है ऑसिपिटल एंड पैराइटल को। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे कोशिका की राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं? तो आपने सुना होगा कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और साइटोप्लाज्म जो है वो कोशिका को ढके रहती है, झिल्ली होती है। सॉरी दोस्तों, कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो राइबोसोम की फैक्ट्री यहाँ पे कहा जाता है न्यूक्लियोलस को, जबकि राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, और कोशिका की राइबोसोम की फैक्ट्री न्यूक्लियोलस को। नेक्स्ट है दोस्तों किस प्रकार जो चमड़ी जो है, चमड़ी किस प्रकार की ऊतक है यानी टिश्यू है? तो आपको पता है समान कार्य समान संरचना वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक यानी टिश्यू कहा जाता है। और ऊतक यानी चार प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इसमें से उपकला ऊतक जो है हमारे चमड़ी के ऊपर एंड आंतरिक जो अंगों के दीवारें बनाता है, ऊपरी परत बनाता है। तो चमड़ी किस प्रकार की ऊतक है? तो उपकला ऊतक है, जो टूटती फूटती रहती है, नए नए बनती रहती हैं। जैसे कि आपको चोट लग गया, आपको कुछ दिनों के बाद वह चिन्ह समाप्त हो जाता है, एकदम त्वचा की तरह हो जाता है, तो ये उपकला ऊतक होती है, ठीक है, यानी एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो फंक्शनल यूनिट होता है आपका सार्कोमियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों डेल्टाइड मांसपेशी की एंटागोनिस्ट मांसपेशी कौन सी होगी? तो दोस्तों जो मांसपेशी होती है एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट प्रकार से काम करती है।
यदि मांसपेशी के संकुचन में मुख्य भूमिका जो मसल्स निभा रही है उसको एगोनिस्ट बोला जाता है, और जो उसके विपरीत भूमिका निभाती है उसको एंटागोनिस्ट बोला जाता है। जैसे हम डंबल अभ्यास कर रहे हैं या अपने हाथ को ऊपर उठा रहे हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो हाथ को मोड़ने में मुख्य भूमिका अदा कर रही है बाइसेप्स मसल, तो यहाँ पे बाइसेप्स मसल्स एगोनिस्ट का कार्य कर रही है, और उसके विपरीत कौन काम कर रहा है, ट्राइसेप्स मसल्स, तो जो विपरीत काम करेगा उसको एंटागोनिस्ट कहेंगे। इसी कंडीशन में जब हम हाथ को एक्सटेंशन यानी फैलाएंगे तो उसको एक्सटेंशन यानी फैलाने में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है ट्राइसेप्स मसल्स, यहाँ पे ट्राइसेप्स हो गया आपका एगोनिस्ट, और विपरीत भूमिका अदा कर रहा है बाइसेप्स, यहाँ पे बाइसेप्स हो गया आपका एंटागोनिस्ट। इस प्रकार आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछा है कि डेल्टॉइड मांसपेशी की एंटागोनिस्ट मांसपेशी कौन सी होती है, तो डेल्टॉइड मांसपेशी क्या करती है, हाथ को ऊपर उठाने में मदद करती है, तो मुख्य भूमिका मांसपेशी के कार्य में यहाँ पे कौन कर रहा है, डेल्टॉइड कर रहा है। इसके विपरीत जो काम करेगा वही एंटागोनिस्ट का काम होगा, तो इसके विपरीत काम करेगा आपका लैटिमस डोर्सी, जो कमर के पास होती है, ठीक है, लैटिमस डोर्सी मसल्स, जिसे स्विमर मसल्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से क्या विषम है, तो दोस्तों फिक्सेसर, स्टेबलाइजिंग मूवर, ये सभी मांसपेशी की क्रिया है, जबकि बैलेस्टिक या जो बैलेस्टिक होता है यह फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने की एक विधि है, इसलिए यह विषम है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अचल संधि नहीं है, तो अचल संधि को हम फेस ज्वाइंट, फाइबर ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, तो यहाँ पे सूचर या खोपड़ी का जोड़ अचल में ही आएगा, पेग एंड साकेट ज्वाइंट जो हमारे दांतों का जोड़ होगा यह अचल संधि में ही आएगा, इन्फीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट जो चल संधि के पास होते हुए भी अचल संधि होती है, कोई मूवमेंट्स नहीं होता है, ये भी आपका अचल संधि के अंतर्गत आएगा, बट कार्पस टार्सस ज्वाइंट जो होता है वो ग्लाइडिंग ज्वाइंट के अंतर्गत आता है, जो चल संधि के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे कार्पस आपका अचल संधि नहीं है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दोस्तों यहाँ पे आप एरिथ्रोसाइट मत लगाइएगा, क्योंकि एरिथ्रोसाइट आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है, एरिथ्रोसाइट डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, एंड जो बिंबाणु होता है इसको थ्रोम्बोसाइट। तो यहाँ पे लाल रक्त कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोलाइसिस बोला जाता है, याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, हीमोलाइसिस बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका इरिथ्रोपोएसिस, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो मैंने बताया था कि लाल रक्त कोशिका का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट एंड डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और बिंबाणु का थ्रोम्बोसाइट, बट यहाँ पे लाल रक्त कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोएसिस बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है, इरिथ्रोपोएसिस बोला जाता है, ठीक है, इरिथ्रोपोएसिस, ठीक है, लाल रक्त कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोएसिस बोला जाता है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट होता है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है वो अस्थि निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है अस्थियों के विघटन की प्रक्रिया को कहते हैं, और यहाँ पे लाल रक्त कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोएसिस बोला जाता है। नेक्स्ट है, एक श्वसन में अंतः श्वसन के दौरान अधिक से अधिक अंदर ली गई वायु की मात्रा तथा सामान्य रूप से बाहर छोड़ी गई वायु की मात्रा को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एयर, क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एयर, ठीक है, जैसे कि अगर सामान्य रूप से आप श्वास अंदर ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं तो उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, फिर अधिक जोर से पूरी शक्ति से अंदर वायु को भर रहे हैं और साधारण रूप से निकाल रहे हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एयर कहते हैं, पूरी शक्ति से निकाल रहे हैं तो उसको सप्लीमेंट्री एयर कहते हैं, और
पूरी शक्ति से अंदर ले रहे हैं और पूरी शक्ति से बाहर छोड़ रहे हैं, उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और उस सब प्रक्रिया के बाद जो वायु हमारे फेफड़ों में बची हुई होती है उसको अवशिष्ट वायु यानी रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, अमाशय में दूध को कौन सा एंजाइम पचाने में मदद करता है? तो दोस्तों अमाशय में तीन एंजाइम निकलता है, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन प्रोटीन को पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। रेनिन जो है दूध को कैसी में बदलता है, दूध को दही बना करके पाचन करता है। यहाँ पर रेनिन आपका राइट आंसर होगा। और अमाशय में एक पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट है, हृदय की मांसपेशियों में परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको इस तरह से पूछेगा, जैसे कि हृदय की मांसपेशियां जो है तीन मांसपेशियों से बना होता है, एपिमाइसियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, जिसे एपिकार्डियम को पेरिकार्डियम भी बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा हृदय की मांसपेशियों की परत को क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे हम मायोकार्डियम। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा अंग श्वसन व रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों चाहे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो, हार्ट रेट हो एंड पाचन क्रिया हो, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का जो है जो हमारे बस में नहीं है, मतलब जो अपने आप होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, मेडुला ऑब्लांगेटा जो है, मेडुला ऑब्लांगेटा जो है इन सभी क्रियाओं को, जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से पूर्व बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? तो बाल्यावस्था आपका शिशु जो शैशवावस्था होती है 1 से 5 वर्ष होती है, तो क्या हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था? अभी 6 से 11-12 वर्ष तक बाल्यावस्था होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 206 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, ये शैशवावस्था में आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेटो टाइप स्केल में 171 से क्या तात्पर्य है? तो आप एक याद कर लीजिए बस, सोमेटो टाइप को दिया किसने है बॉडी टाइप को, एंडोमोर्फिक यानी कि गोलकाय बॉडी जिसको बिसोटोनिक भी बोला जाता है, मेसोमोर्फिक यानी मजबूत बॉडी, अस्थि और पेशियां सब मजबूत होते हैं तो इसको सोमेटोटोनिक बोला जाता है। एंथीसा होता है एक्टोमोर्फिक जो लंबकाय अस्थि प्रधान, जिसको सेरिब्रोटोनी ज़्यादा बुद्धिमान होता है, लंबा दुबला पतला या सुंदर शरीर वाला होता है, तो इसके लिए आपका होगा एंडोमोर्फिक का आपका होता है, लाइन से आप याद कर लीजिए, 7 का मतलब होता है सबसे ज़्यादा और 1 का मतलब होता है सबसे कम, 7 का मतलब सबसे ज़्यादा, तो बीच में क्या है 7 है, तो दूसरा स्थान पर क्या आता है मेसोमोर्फिक, 7 का मतलब सबसे ज़्यादा मेसोमोर्फिक है, तो बीच में दूसरा स्थान पर मेसोमोर्फिक आता है, तो आपका मेसोमोर्फिक यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि होता दोस्तों 711 आपका एंडोमोर्फिक हो जाता, मतलब कि सबसे ज़्यादा एंडोमोर्फिक और ये दोनों कम, अगर आपका है 171 मेसोमोर्फिक और 117 एक्टोमोर्फिक का स्केल होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा व्यक्ति व्यक्ति में उन मनोशारीरिक पद्धतियों का गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करती है? तो इस परिभाषा को किसने दिया है दोस्तों? इस परिभाषा को दिया है ऑलपोर्ट ने। नेक्स्ट है, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया है? आप सबको पता है थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1904 में किसने किया था? तो 1904 में सीमन एंड अल्बर्ट बिनेट दोनों ने मिलकर किया था, तो ए और बी दोनों राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्रेसमर के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का एक प्रकार है? तो क्रेसमर ने बॉडी टाइप को 3 भागों में बांटा है, शारीरिक ढांचे को आधार पर, पिकनिक, एथलेटिक
अस्थैनिक, पिकनिक यानी गोलकाय बॉडी, एथलेटिक सुदूरकाय बॉडी, अस्थैनिक यानी लंबकाय बॉडी, अस्थैनिक यानी लंबकाय बॉडी को उसको क्रसकाय भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका क्रसकाय आपका राइट होगा। अंतर्मुखी बहिर्मुखी काल जुंग निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसे खेल मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों मनोविज्ञान का पितामह विलियम वुंड और खेल मनोविज्ञान का पिता है कोलमैन ग्रिफिथ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्जेंट जंप को किस जंप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सार्जेंट ने इसका खोज किया, इसलिए इसको सार्जेंट जंप भी बोला जाता है, यानी वर्टिकल जंप को सार्जेंट जंप भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड ने किस वर्ष स्वास्थ्य संबंधी सारे स्वास्थ्य का परीक्षण बनाया? तो दोस्तों सबसे पहले आप जानिए कि ऑक्सफोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। ये पूछा हुआ था कि एग्जाम में हर बार पूछता भी है, अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। इसको बनाया था 1958 में पोल हंसिकर ने मोटर फिटनेस मापने के लिए, जिसमें 7 टेस्ट थे। उसके बाद चेंज होकर के 1976 में पॉल हॉन्सिकर और गाय जी रिफ ने मेडिसिन बाथरों को हटा करके 6 टेस्ट आइटम रखे। उसके बाद 1980 में ऑक्सफोर्ड ने हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस टेस्ट बनाया, जिसमें 5 टेस्ट आइटम रखे गए। तो यहाँ पे 1980 आपका राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों 5 सितंबर 2013 में ऑक्सफोर्ड का नाम बदल करके सेफ अमेरिका हो गया है, SHAPE, यानी कि साउथ सोसाइटी ऑफ हेल्थ फिजिकल एंड फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो दोस्तों बर्फी टेस्ट, इसका थ्रस्ट टेस्ट, शटल रन, ये आपका एजिलिटी यानी कोऑर्डिनेशन मापता है, जबकि टीजी टेस्ट आपका फ्लेक्सिबिलिटी मापता है, इसलिए आपका विषम है। नेक्स्ट दोस्तों, 220 माइनस आयु किसका सूत्र है? तो पिछले वीडियो में ही मैंने बताया हुआ है कि 220 माइनस एज यानी आयु किसका सूत्र है, तो मैक्सिमम हार्ट रेट, ठीक है, MHR, मैक्सिमम हार्ट रेट, अधिकतम हृदय दर, ठीक है, अधिकतम हृदय दर मापने का सूत्र है। नेक्स्ट है, डेकेथलॉन की अंतिम स्पर्धा कौन सी होती है? तो दोस्तों डेकेथलॉन, हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन एंड ट्राइथलॉन, एक कंबाइंड इवेंट के बारे में जानने के लिए आप एथलेटिक वाले प्लेलिस्ट में जाइए और इन चारों के बारे में शॉर्ट में इस तरह से मैंने ट्रिक के साथ बताया हुआ है कि आप कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा आपकी जुबान पर रहेगा। तो डेकाथलॉन पुरुषों के लिए होता है, कुल 10 इवेंट्स होता है, 2 दिन तक चलता है और इसमें कुल 4 ट्रैक एंड 6 फील्ड इवेंट होते हैं। प्रथम दिन 10 इवेंट, 5 इवेंट और दूसरे दिन 5 इवेंट। इसका ट्रिक मैंने बताया था कि 100 मीटर का लंबा शर्ट पहन के ऊंची कद से 400 मीटर दौड़ा, प्रथम दिन का ट्रिक था। दूसरे दिन का ट्रिक था कि 110 मीटर का हॉर्डल लेकर डिपोजे 1500 मीटर दौड़ा। तो प्रथम दिन में क्या है, 100 मीटर लंबा शर्ट पहन के, 100 मीटर मतलब 100 मीटर दौड़, लंबा शर्ट मतलब लंबी कूद और शर्ट मतलब 60 फुट, और पहन के ऊंची कद से 400 मीटर दौड़ा, ऊंची कद मतलब ऊंची कूद 400 मीटर दौड़, ये आपका प्रथम दिन का हो गया। दूसरे दिन का ट्रिक है 110 मीटर का हॉर्डल लेकर डिपोजे 1500 मीटर दौड़ा। तो 110 मीटर का हॉर्डल मतलब 110 मीटर बाधा दौड़ा दूसरे दिन का प्रथम इवेंट, एंड डिपोजे डी से डिस्कस थ्रो, पो से पोल वार्ड, जे से जेवलिन थ्रो, अब 1500 मीटर दौड़, ठीक है। तो आपको दूसरे दिन हो जाएगा 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वार्ड, जेवलिन थ्रो एंड 1500 मीटर दौड़। तो यहाँ पे डेकेथलॉन की अंतिम स्पर्धा क्या होगी दोस्तों, 1500 मीटर दौड़ होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है UPTGT 2021 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट है, फ्लो जो के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? तो दोस्तों फ्लो जो के नाम से फ्लोरेंस ग्रिफ्थ जॉइनर को जाना जाता है।
नेक्स्ट है प्रशिक्षण चक्रों को घटते हुए क्रम में रखिए। तो दोस्तों सबसे बड़ा हो जाएगा आपका ओलंपिक चक्र योजना, यानी तीसरा आपका सबसे बड़ा होगा, घटते हुए क्रम में यानी बड़ा से छोटा आपको रखना है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद मैक्रो चक्र, जिसे आपका 12 माह का होता है, यानी 3 से 12 महीने का मैक्रो चक्र हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा मीजो चक्र, 3 से 6 सप्ताह यानी 1 से 1.5 माह का। और लास्ट में आपका होगा माइक्रो चक्र, जिसे साप्ताहिक योजना भी कहते हैं, 3 से 10 दिन यानी 1 सप्ताह का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से क्या विषम है। तो दोस्तों यहाँ पे मिक इकबाल हुसैन ट्रॉफी, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी तीनों फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी है, जबकि विजय मर्चेंट ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 85। जैसे कि आपको देखना है बक रेखा, सबसे पहले जो आता है उसको मिलाइए। बक राइन किस में होता है? कबड्डी में। 3 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। एंड फ्री जोन किस में होता है? खो खो में। तो 2 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 का 4। उसके बाद बचा क्या? 3 पॉइंट गोल एरिया आप सबको पता है कि एक बास्केटबॉल में होता है, ठीक है, तो 1 का 3 हो जाएगा। अब बचा क्या दोस्तों? बेस रेखा, बस एक ही चीज बचा जो आपका टेनिस में होता है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे वक्र, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया सही है लेकिन मिलाया गलत है, ठीक। यहाँ पे फिर से मिला लीजिए, जो है वक्र रेखा किस में होता है? कबड्डी का, तो 1 3 का 2 हो गया, ठीक है। फ्री जोन किस में होता है? खो खो में, तो आपका 2 का 4 हो गया, ठीक है, 2 का 4 हो गया। एंड 3 पॉइंट लाइन गोल एरिया किस में होता है? बास्केटबॉल में, तो 1 का 3 हो गया, ठीक। एंड बेस रेखा होता है आपका टेनिस में, तो 4 का 1 हो गया। आई होप कि आप अब समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ओलंपिक वर्ष दिया गया है, जब जब आयोजन हुआ है और उसमें से विजेता खिलाड़ियों को दिया गया है नाम। तो देखिएगा 1900 फ्रांस में, 1900 में भारत ने सबसे पहले भाग लिया था, वो भी एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिचॉर्ड ने भाग लिया था। तो आपका 1 का हो जाएगा, 1900 फ्रांस के 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से मिलाइए, आपके लिए समय भी दिया जा रहा है आराम से। 1 का 2 हो जाएगा। और 1996 अटलांटा ओलंपिक में, 1996 अटलांटा ओलंपिक में किसने पदक जीता था? टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने कहाँ से पदक जीता था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 का 4, ठीक है, 2 का 4। उसके बाद 2004 एथेंस में हुआ था ओलंपिक, जिसमें से राजवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता था, तो 3 का 1 हो जाएगा। एंड 2008 में ओलंपिक कहाँ हुआ था दोस्तों? ठीक है, बीजिंग चीन में। तो 2008 में कौन जीता था? विजेंद्र सिंह आपको बचे हुए हैं 2008 में। विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी में 75 kg भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, अब 4 का आपका हो जाएगा 3। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो
तो आप सबको पता है कि इसके लिए माता ट्रॉफी यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1956-57 से हुआ था और इसमें विजेता विश्वविद्यालय को 15 लाख धनराशि दिया जाता है। प्रथम विजेता बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड 2023 का विजेता गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब। अभी तक में माका ट्रॉफी जीतने वाला सबसे ज़्यादा बार जीता हुआ विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो अभी तक में 24 बार जीता है, ये भी याद रखिएगा। नेशनल ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, आप सबको पता है 2002 में हुआ था। नेक्स्ट है, नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर टीमों की संख्या 15 है तो पहले राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे। तो दोस्तों, पहले राउंड में मैचों की संख्या ज्ञात करने का नॉकआउट में सूत्र होता है n माइनस नंबर ऑफ बाय अपॉन 2। ठीक है, तो क्या हो जाता है n माइनस नंबर ऑफ बाय अपॉन 2। तो n कितना हो जाएगा दोस्तों, n है आपका 15, नंबर ऑफ बाय निकालने का सूत्र होता है नेक्स्ट पावर ऑफ 2। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि बाय कितना दिया जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 14/2 यानी कि 7, यानी कि कितने, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में टीमों की संख्या 15 है तो पहले राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे, तो 7 मैच खेले जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये सूत्र होता है आपका निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन वाटर स्विमिंग का संबंध किससे है। दोस्तों, इसका संबंध फीना से है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन, जिसकी स्थापना 1908 में हुआ था। ये आपका फीना के अंतर्गत स्विमिंग, डाइविंग, ओपन वाटर स्विमिंग, वाटर पोलो आदि आता है। नेक्स्ट है, पुनरावृत्ति विधि का संबंध किससे है। तो दोस्तों, इसका संबंध एंडोरेंस से है, सहनशीलता से है, सहनशीलता को डेवलप करने की विधियां हैं कॉन्टिन्यूस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति विधि एंड कंपटीशन मेथड। याद रखिएगा, इसमें से कॉन्टिन्यूस मेथड में फास्ट कॉन्टिन्यूस, स्लो कॉन्टिन्यूस, वेरिएबल पेस मेथड एंड फॉर्टेक मेथड, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। तो आप सबको पता है दोस्तों, कई बार रिपीट हो चुका है, 1924 पेरिस फ्रांस में हुआ था प्रथम शीतकालीन ओलंपिक। नेक्स्ट है, एफिलरेज नामक शब्दावली संबंधित है। तो दोस्तों, यह मालिश से रिलेटेड है, चार प्रकार के मालिश होते हैं, स्ट्रोकिंग यानी सहलाना, प्रेशर दबाना एंड परक्यूजन थपथपाना एंड सैकिंग सहलाना, झकझोरना। दोस्तों, तो ये चार प्रकार का होता है मालिश का। पूरा डिटेल में जानने के लिए एक ही वीडियो मैंने शॉर्ट में सभी चीज़ें बता दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी खेल चिकित्सा वाले प्लेलिस्ट में जा करके। नेक्स्ट है दोस्तों, उस अस्थि भंग यानी फ्रैक्चर को क्या कहते हैं, जिसमें एक अस्थि यानी हड्डी टूट कर दूसरे हड्डी में रगड़ खाता है, इम्पैक्ट करता है, तो इसको इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ठीक है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर यानी संघात अस्थिभंग कहेंगे। ठीक है, और जटिल अस्थिभंग किसमें कहेंगे, जिसमें हड्डियां टूट के दूसरे अंगों जैसे कोमल अंगों, हृदय में, आंतों में घुस जाती है। साधारण अस्थिभंग को क्या कहेंगे, साधारण अस्थिभंग में हड्डियां टूटती हैं बस त्वचा नहीं टूटती, जिसे क्लोज फ्रैक्चर भी कहते हैं। और डिप्रेस फ्रैक्चर क्या कहते हैं, जो मस्तिष्क में हड्डियां टूट कर घुस जाती हैं, तो उसको डिप्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चोट को एपिकोंडिलाइटिस कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारे जो एल्बो होती है वहाँ पे एपिकोंडिलाइटिस टेंडन पाया जाता है, उसमें चोट आती है, तो उसको टेनिस एल्बो कहा जाता है, तो यहाँ पे टेनिस एल्बो इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है, मांसपेशी में अत्यधिक खिंचाव के कारण मांसपेशी तंतु अपनी सीमा से अधिक खींच जाए तो उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि मांसपेशी या टेंडन की चोट बोले तो वहाँ पे स्ट्रेन होगा, ठीक है, यानी खिंचाव। जब लिगामेंट की चोट बोले तो वहाँ पे स्ट्रेन होगा यानी मोच।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस उत्तोलक की श्रेणी बताइए जिसमें एफ एक्स अक्ष और भार के मध्य होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एफ जो है वह एक्सिस एंड रेसिस्टेंस के बीच होगा, तो कौन सा यहाँ पे उत्तोलक होगा ये बताइए। तो मैंने आपको बताया है एफ ए आर 312, ठीक है। तो मैंने आपको बताया फोर्स बीच में होगा, तो कौन सा होगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा, ठीक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। एक्सिस बीच में होगा तो प्रथम, एंड रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होगा तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एक्सिस बीच में, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में फोर्स यानी कि बल बीच में होता है। नेक्स्ट दोस्तों, वायु का वेग किस यंत्र से मापा जाता है? तो कई बार ये भी रिपीट हो चुका, विंड गेज से वायु का वेग मापा जाता है और विंड वांड गेज से वायु की दिशा मापा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, किस ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? तो दोस्तों 1996 को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है क्योंकि 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुआ था और 1996 में इसका 100 वर्ष पूरा हुआ था, इसलिए इसको गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बर्ड नेस्ट नामक ओलंपिक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बर्ड नेस्ट नामक ओलंपिक स्टेडियम जो है वो बीजिंग चीन में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चन 51 से लेकर 100 तक। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा या कोई कमी होगी तो कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए दोस्तों, जिससे और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और डेली बेसिस पे आप सभी इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।